वरांग, अभी अगर आप देखें, हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी एग्जैक्टली अगर आप देखें एक खबर से जिसमें हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार जो इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अगर आप देखें सब्सिडी दी है, छूट देती है और बेनिफिट्स देती है, उसको एक्सटेंड कर रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पे। आपकी राय ग्रीव्स कॉटन पे क्या होगी? 170, ये इस खबर के बाद डे हाई पर आया और ऑल टाइम हाई पे आया और इस वक्त 170-130 डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो बुनियादी तर्क के आधार पर इस पर भी खरीदारी की कवायद है, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से विदेंद्र, और 225-230 तक के लक्ष्य। और ये चीज भी ध्यान में रखें विरेंद्र कि ये तो महज एक शुरुआत है पूरे ईवी जो सेगमेंट है उसमें माइग्रेशन की, और जिस तरीके से धीरे धीरे करके और भी स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से आ रहे हैं ईवी व्हीकल को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना, मैंने ये भी सुना था कि एक कंपनी जिसका जिक्र हमने पहले किया था टाटा पावर का, वो सोलार सेक्टर में और कन्वेंशनल पावर जनरेशन में तो है ही, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने की कुछ सोच विचार चल रहे हैं टाटा पावर के तरफ से। तो वो कंपनियां जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही हैं ईवी व्हीकल के लिए, उस पर भी नजर रखना मेरे ख्याल से काफी जरूरी होगा। वीरेंद्र आप बताइए, बैटरीज में आपको क्या पसंद है, जहां पर आप लिथियम आयन का काम होते हुए देख रहे हैं? कोई एक ऐसा स्टॉक जो आपको चर्चित होता हुआ दिखे? एक स्टॉक मैं मार्क करना चाहता हूं जो सर्किट पे लग चुका है, वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये बसेस बनाते हैं इलेक्ट्रिकल, आज 10% ऊपर है इस खबर के बाद, 212.30। अब जुड़ते हैं वापस शाह साहब से। बताइए गौरांग जी, कोई बढ़िया आपको बैटरी मेकर पसंद आता हो जो इस थीम को मजबूती से अगले 3 या 4 साल तक आपको खेलता हुआ दिखे? तो शैल जी, दो बहुत ही बेहतरीन नाम जहन में आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके और मेरे गाड़ी के बोनेट के नीचे इनकी बैटरीज भी लगी होगी, वो है अमरा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज। इन दोनों के अलावा मेरे ख्याल से कोई बेहतर खिलाड़ी नहीं होगा। ये जो पूरे हम जिसे कहते हैं ना, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हृदय होता है, और इसके साथ साथ ये कन्वेंशनल यानी कि फॉसिल फ्यूल ड्रिवन जो वाहन होते हैं, पेट्रोल डीजल पर जो चलते हैं या सीएनजी पर चलते हैं, उसका भी एक हृदय होता है। और बढ़िया बात यह है कि ये दोनों ही कंपनियां एक बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं, जहां पर लिथियम एल्यूमिनियम बेस्ड शॉर्ट चार्ज लॉन्ग प्ले बैटरीज के ये प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ऐसी जानकारी है मेरे पास, और बहुत ही एडवांस स्टेज में है कि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी लॉन्च करने की और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को माननीय रूप में सरकार के तरफ से और खास करके जीएसटी काउंसिल में, अगर जो बहुत ही अहम पुर्जे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में जाते हैं उनका जो स्लैब है वो नीचे लाया जाता है, तो और सरकार के तरफ से और कुछ रियायत दी जाती है उन खरीदारों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं और उनका प्राइस ब्रैकेट थोड़ा बहुत और नीचे लाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऑटो क्षेत्र में हो सकता है। और सभी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एडवांस स्टेज पे है, जहां पर एक एक दो दो तीन तीन प्रोटोटाइप है ईवी व्हीकल को लेकर के, जो ये बाजार में उतारने की क्षमता रखते हैं। अगर आप मुझे एक नाम पूछे बैटरीज में, तो वो होगा अमरा राजा बैटरी।